कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 6,387 नए मामले। देश में कोरोना के अब तक कुल 1,51,767 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,337 पहुंच गया है। अब व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी बुक करा सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर, साथ ही ऑनलाइन होगा भुगतान। निजामुद्दीन मरकज केस, क्राइम ब्रांच आज 280 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। महाराष्ट्र में गरमाई सियासत, उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर हो रही है बैठक, उद्धव ठाकरे सहित शरद पवार है मौजूद। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 183 अंक की तेजी देखी गई। मुंबई के KM अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए बेड नहीं, शवों के बीच कोरोना पेशेंट का हो रहा है इलाज। अब आपको एक कॉल पर मिलेंगे डॉक्टर, नोएडा अथॉरिटी ने शुरू की डॉक्टर ऑन कॉल सेवा। कोरोना वायरस के बाद अब भारत पर एक और हमला, आतंक के साए में किसान। टिड्डियों के एक बड़े दल ने अप्रैल में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और ये तब से ये फसलों को चट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर ये टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है। मुंबई के लोकमान तिलक टर्मिनल स्टेशन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हजारों की संख्या में जमा हुए मजदूर। इंडिगो की चेन्नई कोयम्बटूर फ्लाइट में सवार यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव, फ्लाइट में मचा हड़कंप। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी है कारगर, 65 साल की बुजुर्ग महिला हुई स्वस्थ। आपको बता दें कि महिला डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पहले पीड़ित थी। रेलवे और फ्लाइट चालू होने के बाद अब BMRC ने कमर कसी, शुरू होने जा रही है मेट्रो सेवा। कोरोना के कहर के बीच 3 राज्यों में आसमान से बरसी आफत, 2.5 लाख लोगों ने घर छोड़ा। कोरोना के कहर के बीच नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार की नियति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में सरकार और नेतृत्व दोनों ही गायब हैं। महाराष्ट्र में 145 ट्रेनें खड़ी हैं, उद्धव सरकार यात्री ही नहीं भेज पाई। रेड जोन को लेकर बड़े ऐलान की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, 1 जून तक हो सकती है घोषणा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों से झाड़ा पल्ला, कहा हम बड़ी भूमिका में नहीं। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी जहां अपनी सरकार चला रही है वहां वह बेहतर काम कर रही है। भारतीय टेलीकॉम ने 8,433 करोड़ रुपए में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने का किया ऐलान। मारुति ने मिलाया ICICI बैंक से हाथ, अब ग्राहकों को कार लोन की EMI भरने में मिलेगी राहत। जून को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A31, उससे पहले आएंगे 2 नए फोन गैलेक्सी A और M सीरीज। लॉकडाउन में ही बना ली राम गोपाल वर्मा ने कोरोना वायरस पर फिल्म, ट्रेलर किया लॉन्च। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 20 हेडलाइन। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।